कैश भाई, कंगना, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कभी कभी रोजी रोटी के लिए, सिटी केबल के लिए, तो वो थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे इनवाइटेड हैं के भाईल करोड़पति में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आप प्राइज मनी भी जीत सकते हैं। जी कौन देगा वो हमें भी आइडिया नहीं है, तो प्लीज फटाफट लाया जाए जरा। स्वागत है, दोनों रंगून से आए हैं, बड़े ही रंगीन शाहिद कपूर और कंगना रनौत फिल्मी जगत के इतने ए मोटी, ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू? इधर ऐसा कर रही है, खुश हो रहे हैं, आए खुश हो रहे हैं तो बैठ के खुश हो ना। अब यहाँ हमारे खेल में एक्सपर्ट होता है और इस एक्सपर्ट का रोल करने के लिए ये रोलर बैठी है संतोष। तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला है जो आई 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 कर रही है। हम खुश हैं कि आप हमारा तारुफ करवाए। ये कहाँ से सीखा? उधरू में होता है। उधरू का पढ़ी तू? अरे हम सब पढ़े हैं, आपको पता नहीं। चल फीता काट, स्टार्ट कर गेम को। देखिए, उद्घाटन के लिए कुछ कटवाना होता है, आप एक काम कीजिए शाहिद जी, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त काट लीजिए। कहा कि हमारा अकेले वक्त कटता नहीं है। इतना ऐसा पिक्चर में फ्लर्टिंग व्लर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा कि हमारे साथ कर लेंगे। देखे हुस्न में आप देख लीजिए कंगना जी से हम क्या कम है के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये क्या तुलना कर रही है, ये कंगना है और तीन चार अंगना है। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। जी, गेम स्टार्ट। ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी, चाबी तो मेरे पास है। हाँ मैं कर दूंगी ना, ऐसे गुड़ गुड़ फुट 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 गड़ 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 करके शुरू कर दूंगी। अच्छा, मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है। तू थोड़ी माइलेज भी दिया कर। जीतू साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे आ गए। आप चले गए थे, मैं भी चला गया था। मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था। आपको पता है इधर 10-15 शेर आए थे। अच्छा, पूछ रहे थे हमारे मालिक कहाँ गए, हमें बोलेगा। वो एक दिन तो चीता आ गया, कहता शेर तो रोज बोलते, चीता बोल के दिखाओ। मैं तो नहीं बोल सकता। हाँ तो आप बोल देते, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। वाह वाह, मुझे मुंह तुम्हारा पहले से नहीं पसंद था, तुम्हारी हरकत तो और गंदी लगी। मैं तुम्हारी बात पे पानी फेरता हूँ, फ्लश फ्लश करता हूँ मैं। वाह वाह, ओह माय गॉड, हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया, ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप कंगना जी आई, देखिए ये दो औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप दोनों ने कंपनसेट कर दिया, बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके बेटी भी बहुत क्यूट है, मैंने पेपर में फोटो देखी। अच्छा पहले मैं देखूँ इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी, आप भी इतने से, फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो पेपर में इतनी फोटो आती, मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बेटी होगी, भगवान आपको खुश रखे, अब टाइम निकाल कर शादी कर लो। क्या बोल रहे हैं आप, शादी होती है तो बच्चा होता है? अच्छा नहीं, मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मुझे मुंबई का प्रोसीजर नहीं पता। इतना बकर बकर करने का शौक है तो एक्सपर्ट का सीट पर ही बैठ जाइए, आइए बैठिए बैठिए। एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, मैं आपको बताऊँ आप यकीन नहीं करेंगे। कर लेंगे ना, बताओ। नहीं करेंगे। आपको बता, किसी मोहल्ले में किसी के घर पे दाल बन रही हो कुकर में, मैं बाहर से सीटी मार के दाल पका देता हूँ। मैंने आंदोलन चलाया शाहिद साहब, कंगना जी मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, ये जो मॉल चलाया है, कभी आंदोलन चलाया है? ओए सलंसर जैसे मुंह वाली औरत, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग
हम लोग जाते हैं जैसे मॉल में अंडे लेने के लिए और पैसे देखिए सारा जोर लगता है मुर्गी का पैसे ले जाते हैं ये मॉल वाले तो मेरे को बड़ा बुरा लगा मैंने कहा मेरी बात सुनो मुर्गी को मैंने कहा इधर आ कहते पक पक क्या मैं कहा मेरी बात सुनो मैं कहा तुम्हारा अंडा मिलता है 6 रुपए का सारा मेहनत तुम्हारी तुम 6 रुपए का अंडा दे रहे हो तुम्हें कुछ मिलता नहीं तुम मेरे से 5 लो 1 रुपया मेरे बचेगा तुम्हारी भी आमदन हो जाएगी लेकिन मुर्गी पैसे का क्या करेगी अरे मुर्गी का अपना सर्कल है उनका किटी सर्कल है 10-12 मुर्गियों का ऐसे मैं बताता हूँ जैसे मुझे खाने होते रोज 6 अंडे शायद साहब मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आपकी बॉडी देख के तो मैंने प्रोटीन मुझे चाहिए मुझे 6 अंडे खाने लेकिन मेरे प्रोटीन की वजह से मुर्गी अपना फिगर तो खराब करेगी नहीं तो वो क्या करती है बाकी मुर्गियों को 3-3 रुपए अंडा दे मैंने कहा तू मेरे से 5 ले आगे तू जो मर्जी कर वो 3-3 का अंडा लेती उनसे और आगे मुर्गी को भी 2 रुपए बचते हैं मैं टिंकू भाभी मैं पता है मैं गाइड भी हूँ मैं दुनिया को घुमाता हूँ मैं बहुत ज्यादा घुमा देता हूँ घूमना जाती हूँ फ्री में अरे तुम तो हमको भी घुमा दो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बिल्कुल तुम्हें घुमा दो ऐसा होता मैं तमिल ना घुमाऊँ ये लो चलो भी एक्सपर्ट आ गए हैं खेल शुरू करो कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा ऐसे कैसे बात करेंगे तो ऐसे बात करो मुंह तो तुम्हारा देखने लायक है भी नहीं रुक जाइए आजा आजा मेरी बहन आजा अच्छा आपको पता है सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है पृथ्वी इसके काटती है मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को अपने चिप्स खेला शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल पहले नहीं आज होएगा आज कोई पहला सवाल पहले नहीं हर बार पहला सवाल पहले पूछा जाता है दूसरे के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों दूसरा सवाल पहली बार पूछो मैं साफ कहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज गंदी औरत और एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स मोटी औरत मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए सोसाइटी में ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं उसके लिए हम ठीक है तो सबसे पहले दूसरा सवाल आप दोनों बैठे हैं दूसरा सवाल पहले पूछ रहे हैं तो पहले दूसरा सवाल जी पूछिए प्लीज पूछ लीजिए अब कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको पहला है कि दूसरा है मेरी बात सुनो एक जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते तुम मैं तुम्हारा ये रेड स्विच दबा के मुंह ऑफ कर दूंगा तुम्हारा मैं तो साहब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया तुम्हारा इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे पति का हुआ है अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है ये कैसे पुकेगा आपको पता है ये इसका दूसरा टैटू है थाईलैंड में टैटू बना क्या है ये 3 पत्ती है ये बोतल है बोतल का सिरा नहीं दिखा सकते अच्छा आपको पता है पहले इसने इधर वो बनाया था बिच्छू हाँ फिर बड़ी मेहनत करके बनाया एक दिन बिच्छू को घुसाया वो चला गया और अब वो बिच्छू इस सीट पे बैठा हुआ है जब बनाया था खेला शुरू कर रहा है सवाल है मैं एक बात कहने जाता हूँ देखो नहीं एक बात नहीं कहो तुम देखो आप एक पे रुकते कहाँ हैं मुझे एक बात बताओ जब जैसे ये 1000-1000 वाले नोट बंद हुए हैं तो ये 200 रुपए वाला मुंह अभी तक कैसे चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया देखो हाथू देखो जब तक इसका इंसल्ट हो रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा मेरी बात सुनो रिंकू भौजी हाँ हमारा करो औरतें 2 होंठ होते हैं लिपस्टिक लगाती इसका एक ही तेरा ऊपर वाला किधर है मेरे को पसंद नहीं आया तेरा चेहरा बिल्कुल भी ज्यादा इधर जाओ
देख लो घोड़ी लगती नहीं लगती, मैंने कहा था घोड़ी। अरे बंद कीजिए बंद कीजिए। देखो नहीं नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता है शाहिद साहब ये बहुत मेहनती औरत है, ये यहाँ पे काम भी करती है और शादियों का सीजन होता है घोड़ी बन के दूल्हा ऊपर बिठा के ले जाती है। बहुत ज्यादा अच्छी है और बदले में कोई डिमांड नहीं, चने खिलाओ चाहे घास खिला दो। अच्छा इनकू भाभी अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती सिद्धू साहब, वैसे आप कहते हैं कि हमें कुर्सी लेनी देश की सेवा करनी, कुर्सी देते आप उठ जाते हो। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम यहाँ गेम खिलाने के लिए आए थे, सवाल बना के आए थे और ये समाज ने हमारे ऊपर दूसरे सवाल खड़े कर दिए। अगर हम घोड़ी हैं तो बताओ हमारा पूंछ कहाँ है? मैं बताता हूँ, ये देखो कहाँ है हमारा पूंछ? ये पूंछ जिसने अपनी ननद को दे दी हुई है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। अगर सिद्धू साहब ऑर्डर करें, हमारे माननीय जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं रंगून के बर्मा देश से, वो उधर से है ना? हाँ, हमारा जीजा जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, इधर आओ ना, हम भी आए, इधर आओ, तुम्हारा मुंह आ रहा है। हमारा तो किसी दुनिया के फोन में आएगा ही नहीं, तुम्हारा बुलडोजर टेढ़ा करके ना उस पर फ्लैश लगानी पड़ेगी। अच्छा तुम्हारा अच्छा पहला सवाल पूरे 12 रुपया के लिए। कितने रुपए के लिए? 12 रुपया। और 13 रुपए का तो उसने कीबोर्ड बजा दिया पीछे। सवाल 12 रुपया के लिए। और आप 12 रुपए जीत के इसको देना, तू रेजर लेना, पहले तो ये साफ कर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं, खेला खेला शुरू ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किया। खेला बहुत शुरू नहीं कर पा रहा है कंगना। अच्छा रोती हुई और भी ज्यादा भयानक लगती है। देखो तुम रो मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। जल्दी करो बेटा, मेरी मूंछ निकल रही है। आप लोगों की इजाजत से पहले मक्खी आ गया। गुड़ देखा नहीं मक्खिया के बैठ गई। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी। ऐसा जिंदगी है हमारा। अच्छा मैं एक बात बताऊं तुम्हें भाभी? मत बताओ, ये लो। हट हट, ये गलत, ये गुमराह कर रही ऑडियंस को, मक्खी सिर्फ गुड़ पे नहीं बैठती। मक्खी शहद पर बैठती है। नहीं जो जिन्होंने समझ ना था समझ गए। अच्छा चलिए सवाल पहला है पूरा 11 रुपया के लिए। 1 रुपये का वक्त बर्बाद हो गया। गुलाबो जरा इतर लगा लो, गुलाबो जरा इतर लगा लो इस गाने में। गुलाबों को इतर लगाने की क्या जरूरत है? आपका ऑप्शन है ए गुलाबो नहाई नहीं है, बी गुलाबों को पार्टी में जाना है, सी गुलाबों का इतर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है ड्यूटी फ्री से लिया है, या डी गुलाबों का बीजा नहीं लगा इसलिए गुलाबों इतर लगा रही है। क्या कहेंगी आप?
आई थिंक गुलाबो नहाई नहीं है. ए गुलाबो मेरी बहन थी फिल्म में, वो नहाई है. दूसरा ऑप्शन चूज करो. गुलाबो का इतर काफी सस्ता है. ड्यूटी फ्री. हाँ ड्यूटी फ्री वाला. हाँ. ड्यूटी फ्री दुविधा में दोनों सितारे. अच्छा बेटे मैं एक बात कहना चाहता हूँ. पता है ये बात कहना ही चाहते हो तुम. बात रोकना तो चाहते नहीं हो. अरे मैं शायद साहब मैंने एक बार कैक्टस का पौधा देखा. हाँ. ये बड़ा गंदा लगा, बड़े कांटे होते उस पे. फिर मैंने इसका मुंह देखा, ये 12 घंटे बाद इसके दाढ़ी आती है. ना वो नहीं चुपता जिसके इसकी दाढ़ी चुपती है. अगर 5-10 मिनट और बोलते रहे अरोड़ा साहब तो मेरी सच में दाढ़ी आ जाएगी. हमारा गेम हो ही नहीं रहा शुरू. गेम हो ही नहीं रहा. ए बहुत गंदी बातें कर रही हो तुम. इससे ज्यादा गंदा बात शाहिद जी हमसे किए थे एक बार. क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी. तो बात तो गंदा ही हुआ ना. आज हम आपसे वापस गंदा बात करना चाहते हैं. करो. अच्छा मैं बहुत अच्छा डांस किया शाहिद साहब आपने. अच्छा मैंने खबर पढ़ी थी थोड़े दिन पहले जी, केरल में एक हाथी ने दारू पी के उत्पात मचाया. आज मैंने देख लिया. क्या भी ज्यादा हो रहा है. मैंने तुम्हें कुछ कहा? हाथी केरल को बोल रहे हैं बस इतना ही है. कुछ नहीं है. पर बस एक चीज गलत हो गई, जो सूंड तूने पीछे कर ली. हमारा तो गंदा बात हो गया, हम खुश है. चलो ठीक है, अब ये एक सवाल हो गया, मतलब दूसरा सवाल हो गया जी. अब दूसरे नंबर पे पहले सवाल जी. म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. बजा तो. म्यूजिक सुनते हैं तो ऐसा लगता है झूला ऊपर से नीचे आ रहा है. जैसे लैंड होता है ना जहाज. बजा एक लास्ट टाइम. ए क्या मेडिटेशन शुरू कर दिया है, कर क्या रहे हैं? ए म्यूजिक मदहोश कर दे. सवाल, ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ट्विटर हैंडल जरूरी होता है, बी ट्विटर अकाउंट जरूरी होता है, सी रात को 4 पैग लगाना जरूरी होता है. ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा. नहीं मैं, आप सवाल पूछो. हम पर्सनल हो जाएंगे पता है. मेरे साथ पर्सनल बिल्कुल नहीं हो रहा तुमने. और डी जब 3 में कोई जवाब नहीं मिला तो चौथे में क्या मिले? डी डी डी. जब 3 में नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा चौथा? अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पैसा भी कोई नहीं है, मुफ्त में पूछता हूँ. बताओ हमारे पैर में अंगूठा क्यों होता है? पैर में होता है, है? नहीं पता. पैर में अंगूठा इसलिए होता है ताकि हम चप्पल पहन सके. ए, बात सुनो, तुम भी अपने मुंह पे चप्पल पहना करो. इतना 12 नंबर का मुंह है इसका, मैं कांटा चुभ सकता है. देखिए बस रिंकू भाऊजी के बारे में बोल रहे हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे ऊपर उंगली उठाए ना तो रिंकू भाऊजी से बुरा कोई नहीं होगा. वो तो वैसे भी उससे बुरा कोई है नहीं. मेरा नाम ले लिया मैंने, इसका क्या बिगाड़ा? बुरी आप हैं तो आप ही का नाम लेंगे, और किसका नाम लेंगे? तूने इसका क्या बिगाड़ा? तूने इसके भाई के साथ शादी की, तुम दोनों ने मिलके आगे जनरेशन बिगाड़ी है. बच्चे इतने खराब पैदा किए. पहला बच्चा देखा मुझे प्यार ही नहीं आया. बच्चा देखा मैंने उठाया, मैंने बिठा के ऐसी कुर्सी में कहा चलो निकलो. ऐसे गलत बच्चे पैदा कर दिए, पता नहीं चलता सीधा किस तरफ से उल्टा किस तरफ. नहीं तो कौन ऐसा बच्चा आता है जिसका मुंह पीठ की तरफ लगा दे? सारा काम खराब. कद्दू पकड़ा था वो, तुम बच्चा नहीं था, समझ जाई.
मेरे को पहले बताना चाहिए ना, मैं भी सोचू हरे हरे रंग के बच्चे कौन से होते हैं। अब यही देखो ये बैठी है मोटी, तू सुन रही है, तू बहुत हीरोइन मटेरियल है क्या जो सुन रही है बात? इसको तुमने हीरोइन मटेरियल कहा, ये बिल्डिंग मटेरियल है। आपको पता है ये मुंह में कंक्रीट और सीमेंट डाल के RCC बना लेती है। और बताइए, और बताइए, आपको कभी कैश का जरूरत हो तो क्रेडिट कार्ड मेरे मुंह में स्वाइप कर दीजिएगा, पैसा मेरे अंदर से निकलता है, बताइए और बताइए। जहाँ से निकलता है वो मेरे को जगह पसंद नहीं है। खैर आप दोनों बताइए कि ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बताइए। पूछिए इनसे। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा कि इनका ऊपर लिप्स का। आपको पता नहीं है, नीचे वाला भी नहीं था, मैंने खींच के बाहर निकाला। पहले नाक के बाद ऐसे, नाक के बाद सीधे दांत, उसके बाद टूटी। जैसे इसकी गर्दन नहीं है तो इसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि दूल्हा कहता वरमाला का बना है। औरतों के लिए नेकलेस होता है ना, ये नेकलेस औरत। अभी तो हम माँ बाप पे गए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा लिफ्ट नहीं है, हमारे माँ बाप को तो हिप्स नहीं था। एक्चुअली सच बोल रही, मेरे को तेरी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। इसके माँ बाप के हिप्स नहीं थे, उनको कहा था बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाते थे, पैरों पे बैठते थे। ऐसे नहीं बैठते थे वो, ऐसे बैठते थे, हिप्स नहीं था ना। अच्छा इसकी एक मासी थी, मासी, इसकी मासी पहाड़गंज में रहती। जन्म पत्री रखते हैं ना, सब पता है। अब देखो ये जन्म पत्री होती है अच्छे लोगों की, ये पैदा हुए थे, इनके FIR हुई थी। चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर दो। खत्म यार, कांट डील विद दिस एनीमोर। नहीं खेलो खेलो, चार पैसे आ रहे क्या? कब तक फिल्में करके करोड़ों रुपए कमाते रहोगे? छोड़ देते यार की। पहाड़गंज में इसकी एक मासी रहती, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह ही नहीं है। ऐसा कौन होता है? होता है। ये अभी ज्यादा हो गया, मुंह नहीं है, लिप्स लिप्स तक ठीक था, मुंह नहीं है तो क्या ऐसा घूम रही है? कौन सा मुंह ही नहीं है? अच्छा तूने कह दिया हिप्स नहीं है तो चलेगा, मैंने कह दिया मुंह तो नहीं चलेगा, रेसिस्ट औरत। चलिए सुनिए, बात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। और जो 11 रुपया है वो हम नहीं दे सकते हैं, ये छोटा रिचार्ज का कूपन है, ये आप लगे। आप दोनों छोटा रिचार्ज। जी बिल्कुल, थैंक यू। और 2 महीना बाद इसको यूज करेंगे तो रिचार्ज बड़ा हो जाएगा, तब यूज कर लीजिएगा, ठीक है? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, शायद साहब आप पहली बार आए हैं ये वाली जगह पे, हालांकि इसमें 1 करोड़ रुपया जीत के जाता आदमी। हाँ। आपको हम खाली आदमी भेजेंगे, ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें हमने 1 करोड़ का फोल्डर बनाया है, पैसे आप डलवा लेना। आपके लिए मेरी माँ ने एक चीज़ भेजी थी, कंगन है ये, कहती थी कंगना को दे देना, वैसे मार्केट में इसका जो भी प्राइस हो आप 200 कम दे दो चलेगा। क्या वो 200 कम दे दे क्यों चलेगा? क्योंकि है 150 का। तो दोस्तों आज का मुद्दा यहीं खत्म होता है, कोई नहीं बना करोड़पति, ठीक है? चलिए फिर एक सेल्फी हो जाए। ओहो आ गई।